हेलो गाइस, मेरा नाम है पराग फडणीस और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवल करते वक्त प्रॉब्लम से डील करने के बारे में, और हम बात करेंगे लगेज के बारे में कि आप कैसा बैग ले जा सकते हैं, आपको कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत होगी ताकि आपको एक सोलो ट्रिप के हिसाब से जो कुछ भी चाहिए वो आपके बैग में हो। वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ फर्स्ट सोलो ट्रैवल FAQ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे खुद को आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए रेडी करना है, ताकि आपके सफर के दौरान कुछ भी हो तो आप अटक न जाएं और आपको खुद अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का एक तरीका मिल जाए। आपने कभी सोचा है कि आपको ट्रैवल करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? आपका लगेज या पासपोर्ट खो सकता है या चोरी हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हो, अपनी फ्लाइट मिस कर सकते हो, यहाँ तक कि आप किसी एयरपोर्ट से डिपोर्ट भी किए जा सकते हो। घबराइए नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हो या उनसे डील कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम लगेज कैरी करो। कोशिश करो कि आप सिर्फ कैरी ऑन लगेज के साथ ही ट्रेवल करो, उससे आपकी सभी चीजें आपके पास रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको अपने बैग पर किसी तरह का टैग या निशान लगाना होगा, जिससे बैगेज क्लेम करते वक्त कोई और आपका बैग ना उठा ले। साथ ही साथ अपने बैग में एक कार्ड पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख के रखना मत भूलना। लेकिन शायद इससे भी बदतर होगा कि आप अपना पासपोर्ट या वॉलेट खो दें, इसलिए कभी भी अपने सभी पैसे, कार्ड्स और पासपोर्ट एक साथ मत रखना। कुछ पैसे और कार्ड्स अपने वॉलेट में रखना और बाकी पैसे और पासपोर्ट अलग से रखना, और मेनली अपने पासपोर्ट को अपने आप से भी ज़्यादा संभाल के रखना, क्योंकि जब आप अपने जेब से बाहर होते हो तो सिर्फ यही आपकी आइडेंटिटी होती है, और इसके बिना ना ही आपको कहीं रहने की जगह मिलेगी और ना ही घर वापस आते आएगा। फिर भी अगर आपसे गलती से पासपोर्ट खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो सबसे पहले उस देश की इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट करना, वहाँ से आपको आगे की प्रोसेस पता पड़ जाएगी। आप बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में। पिछले कुछ दिनों में आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना कितना ज़रूरी है, और ट्रैवल करते वक्त ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप हर दिन नए लोगों से मिलते हो, नई जगहों पर जाते हो और अलग अलग तरह का खाना खाते हो। इसके अलावा आपको जो प्रिकॉशन लेना है वो है आपकी पूरी ट्रिप के लिए ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस लेना, ताकि अगर आप बीमार हो या इंजर हो तो आपके सारे खर्चों को इस इंश्योरेंस से कवर किया जा सके। ट्रैवल करने के सबसे महंगे हिस्सों में से एक है ट्रांसपोर्टेशन, तो अगर आप किसी फ्लाइट को बुक करते हो तो ध्यान रखना कि एयरपोर्ट पर सही वक्त पर पहुंचना बेहद ज़रूरी है, इसलिए अपने फ्लाइट के डिपार्चर टाइम का ध्यान रखना, और इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं है इसे हमेशा चेक करते रहना। नॉर्मली आपको डिपार्चर से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उससे भी जल्दी वहां पर पहुंच जाएं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ज़्यादातर देशों में वीज़ा के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जैसे कौन देश में एंटर कर सकता है और कितने समय के लिए रह सकता है। जब आप किसी देश में एंटर या एग्जिट कर रहे हैं तो गलती करने के रिजल्ट बहुत गंभीर हो सकते हैं, और ये केवल आपकी ट्रिप को ख़त्म नहीं करेगा, हो सकता है कि आप उस देश से बैन हो जाए या आपको जेल हो जाए या आपको भारी फाइन भरना पड़ सकता है। इसी के साथ हम आते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से के फर्स्ट टॉपिक पर, जो है डॉक्यूमेंट्स। तो आपके बैग पैक करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जिसका आपको ख्याल रखना है वो है डॉक्यूमेंट्स। आपके कहीं भी जाने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा होना चाहिए। अलग अलग देशों के वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए बस जहाँ आप जा रहे हैं उस देश का नाम गूगल या यूट्यूब पर टाइप करें और आगे वीज़ा जोड़ दें। इस तरह से आपको उस कंट्री में एंटर करने के लिए सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और हो सकता है आप जहाँ जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़े, तो इसमें आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रिसेंटली मैंने वियतनाम के वीज़ा से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, आप इस तरह के वीडियोस अलग अलग ट्रैवलर्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रैवल इंश्योरेंस लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आपको जर्नी के दौरान कुछ होता है तो इस इंश्योरेंस में आपका मेडिकल और लॉस ऑफ लगेज कवर हो जाएगा। और फाइनली अपनी ID, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कुछ कैश लेना मत भूलना। आप US डॉलर्स कैरी कर सकते हो, जो आपको ऑलमोस्ट सभी देशों में काम आएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके ट्रिप के लिए पूरी तरह से तैयार होने के दूसरे सबसे ज़रूरी हिस्से के बारे में, जो है आपका बैग। और ट्रैवल करने के लिए एक गोल्डन रूल है
कि आप कम सामान पैक करें। मेरा मतलब है कि जितना आपको लगता है कि आपको ज़रूरत होगी उससे कम सामान लाएं, क्योंकि चांसेस है कि आप सब कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर आप ज़्यादातर चीज़ें लोकली भी खरीद सकते हैं। केवल एक चीज़ जिसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी वो है आपके अंडरगारमेंट्स। लेकिन 4 अलग अलग तरह की जीन्स या अलग अलग तरह के स्वेटर्स लाने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो आपके बैग में बहुत जगह लेंगे और आप उन्हें शायद ही पहनेंगे। तो इसलिए कम सामान पैक करने में ही समझदारी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इवन मेरे 30 डेज की ट्रिप में भी मैंने कुछ कपड़े यूज़ नहीं किए थे। एक और टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो यह है कि एक एक्स्ट्रा बैग हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि आप हर जगह तो अपने मेन लगेज को लेकर नहीं जा सकते। आपको अपने बड़े बैग को हॉस्टल, होटल या जिस भी अकोमोडेशन में आप रह रहे हैं वहाँ रखना होगा और अपने छोटे बैग के साथ ही घूमना होगा। और हम जितना हो सके उतना सस्ते में ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक अच्छे बैग या बैकपैक में इन्वेस्ट करना ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका बैग आपके ट्रैवल एडवेंचर के दौरान डैमेज हो जाए। ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप फ्यूचर में और भी ट्रिप्स करना चाहते हैं। एंड वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ट्रैवल बैग्स ऑफर करते हैं, लेकिन मैं आपको मेरा बैग दिखाना चाहूँगा जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। यह डीकैथलॉन का एक 50 लीटर बैकपैक है। अब ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं है, मैं आपको ये बैग मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर दिखा रहा हूँ। मैंने थाईलैंड, पौंडीचेरी और वियतनाम में इसी बैग के साथ ट्रैवल किया था। और डीकैथलॉन एक छोटा 20 लीटर फोल्डेबल बैग भी ऑफर करता है जो इस साइज तक कोलैप्स हो जाता है, और ये एक डे ट्रिप या इससे भी ज्यादा दिनों का सामान स्टोर करने के लिए काफी है। मैंने इस बैग को हजारनूप की हमारी 5 डे बाइक एडवेंचर पर कुछ कपड़े ले जाने के लिए यूज किया था। आप हजारनूप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि इस बैग ने पूरे ट्रिप में हमारी कितनी अच्छी तरह से हेल्प की थी। आप इन दोनों बैग्स को डीकैथलॉन की वेबसाइट से ऑनलाइन या डीकैथलॉन स्टोर पर भी जाकर खरीद सकते हैं। अब आपकी ट्रिप पर जरूरत का पूरा सामान रखने की बात कर लेते हैं। आपका लगेज आपके जेंडर, मौसम और उस जगह पर डिपेंड करेगा जहां आप जा रहे हो, इसलिए मैं आपके बैग में रखने वाले मेन आइटम्स को कवर करने वाला हूं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, मैंने अपनी पूरी लिस्ट को भी सीरीज में इंक्लूड किया है जो मुझे मेरा बैग पैक करने में मदद करती है। इसलिए जब भी आप अपना बैग पैक कर रहे हो इस लिस्ट को अपने साथ जरूर रखें। इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप patreon.com/parag furnish पर जाकर इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो और हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट इस चैनल की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब ट्रैवल करते वक्त की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ शुरू करते हैं, जो है कपड़े। तो आपके कपड़े मौसम और लोकेशन पे तो डिपेंड करते ही हैं, साथ ही साथ वे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास मजबूत हाइकिंग शूज़ और ट्राउजर्स होना चाहिए, या अगर आप अपना मैक्सिमम टाइम बीच पर स्पेंड करना चाहते हैं तो अपने स्लीपर्स और स्विमिंग शॉर्ट्स लाना मत भूलना। तो बेसिकली इससे पहले कि आप अपना बैग पैक कर लें, आपको बस हर सिचुएशन को इमेजिन करना है जिसमें आप जाना चाहते हैं। ये कुछ ऐसा है जो मैंने मेरी मम्मी से सीखा था जब भी हम किसी फैमिली ट्रिप पर जाते थे। एक बार जब हमने हमारे कपड़े पैक कर लिए हैं तो अब बारी है हाइजीन और मेडिकल से रिलेटेड सभी चीज़ों को पैक करने की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि एक बार जब हम विदेश में होते हैं तो कुछ दवाएं खरीदना डिफिकल्ट हो सकता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो आप प्लीज़ अपने हिसाब से मेडिसिन रखना मत भूलना। और मैंने पैकिंग लिस्ट में मेडिकल और हाइजीन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को इंक्लूड किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से लिस्ट चेक करना मत भूलना। अब हम उन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं जिन्हें आप अपने ट्रिप पर ला सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ गैजेट शेयर करना चाहता हूँ जो मैं अपने ट्रिप पर ले जाता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपना स्मार्टफोन और उसका चार्जर लेता हूँ, जो आज के वक्त में सबसे ज़रूरी है। इसके बाद एक यूनिवर्सल ट्रेवल अडाप्टर कैरी करना कभी मत भूलना, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं और इनके लिए आपको अलग अलग प्लग्स यूज़ करना पड़ेंगे। और क्योंकि मैं एक ट्रेवल ब्लॉगर हूँ, इसलिए मैं अपना लैपटॉप और कैमरा गियर ले जाता हूँ। आप इसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मैं अपने एंटरटेनमेंट और काम के लिए हेडफोन्स भी कैरी करता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से और भी ज़्यादा ट्रैवल इक्विपमेंट देख सकते हैं और उन्हें मेरी अमेज़न एफिलिएट लिंक से खरीद कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इससे मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा और आपको आपका मनचाहा प्रोडक्ट मिल जाएगा। उस लिस्ट में मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूड किया है। और स्पेशली जब तक आपको किसी चीज़ की सख्त ज़रूरत ना हो, तब तक भारी और बड़े आइटम्स को लाना अवॉइड करें। उन्हें घर पर छोड़ना बेहतर होगा, क्योंकि ट्रैवल करते वक्त इतना वजन कैरी करना बेमतलब का स्ट्रगल होगा, खासकर जब आप बहुत ज़्यादा घूम रहे हों। तो अपने लगेज को छोटा और जितना हो सके उतना हल्का रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे इंडिया के बाहर जाने के लिए या इवन इंडिया में ही घूमने के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट ढूंढ सकते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने फ़ोन के ऐप्स वाला सेक्शन भी अगले वीडियो में शिफ्ट किया है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक करें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। धन्यवाद।